नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। सहारनपुर में आज अति दलित हिताय समाज संस्था द्वारा आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें संस्था के लोगों ने आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को दलित समाज में वर्गीकरण कर अति समाज का अलग आरक्षण की व्यवस्था और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग आरक्षण की सूची में अति दलित हिताय संस्थापक संजय ढिंगरा का नाम शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर में आज घंटाघर स्थित एक होटल के सभागार में मुत्तहिदा मजलिस ए अमल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दारुल जखरिया देवबंद के मोहतमी मुफ्ती शरीफ खान ने बताया कि देश और प्रदेश में दुष्कर्म, हत्या, लूटपाट और जातिवाद, सांप्रदायिक जैसे अपराधों ने पूरे देश की जनता के लिए, उसके अस्तित्व और सालमियत के लिए एक चिंता की बात है। जो दरिंदगी और जुल्म जो बच्चियों पर और छोटे बच्चों पर जो हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए। और उसमें किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो, सिर्फ ये देखा जाए कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इंसानियत के हिसाब से उसको परखा जाए, पार्टी के हिसाब को ना देखा जाए। कोई भी हो, इस जुल्म का बदला उनसे लेना है और उनको उसकी सज़ा देना है। खासकर जो अब उन्नाव में जो वजीर ने जो ऐसी गलत हरकत, गंदी हरकत की है, इसी तरह कश्मीर में जो एक जमात ने मंदिर ऐसी पवित्र जगह में इन लोगों ने जैसे घिनौनी हरकत की है, कि छोटी 8 साल बच्ची के साथ इन्होंने जो आबरू रेजी की है, जो उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हम अदालत से ये मुतालबा करेंगे। इसी तरह यहाँ के जो हुकूमतें हैं, चाहे उनके पार्टी की ही हुकूमत हो, हम उनसे मुतालबा करेंगे कि वो उनको सजा दी जाए और उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।